अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। श्री राम मंदिर पूजन पूजन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत विधायक महोदया से निवेदन करूंगा कि वह आगे की जानकारी मीडिया को दे। आदरणीय गायत्री अजय पवार साहब, उसके बाद फिर और कोई बात हो, प्रश्न होते तो मैं ध्यान देता बंदों से को प्रणाम करना चाहूंगा और इसको बंद कर। ध्वज में यानी जो डंडी होती है वो भी डाल के और रेडी दे रहे हैं, मार्केट्स में निकलेंगे, ये युवाओं की टोली पूरी निकलेगी लगाना है। 22 तारीख को होने वाला जो ये कार्यक्रम है, लोग इसे दिवाली से कंपेयर कर रहे हैं, इसे दिवाली के समान रख रहे हैं, लेकिन मैं देवास से निवेदन करना चाहूंगा, दिवाली को हर वर्ष आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जिस प्रकार से राजमाता साहब ने आपको बताया, मेरी विधानसभा हर घर भगवा, घर घर भगवा, ये कार्यक्रम हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे देवास विधानसभा में हर घर हर दुकान हर इमारत पर भगवा ध्वज लगाने का। के साथ शामिल होंगी, जहां जितनी यथाशक्ति है उतना मैं कर पाऊंगी, पर महाराज के नेतृत्व में पूरे ये युवा लड़के हैं सभी, इन लोगों ने जो संकल्प लिया है ये द्वार बनेगा, जिसमें भगवान की आस्था के साथ ही इस दिन को हम चिन्हित करके 22 तारीख का महत्व मानते हुए हर वार्ड में उस राम द्वार को एक सांकेतिक रूप का द्वार बनेगा। जैसा समझ में आए, जितना एनर्जी डाल सके आप डालें और इस आयोजन को भव्य आयोजन बनाना है, देवास को भगवामय करना है, इसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग की अपेक्षा करने के लिए मैं और महाराज आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, महापौर प्रतिनिधि यहाँ पर ड्राइंग और सेम साइज मतलब 45 वार्ड के द्वार एक जैसे बनेंगे, जैसी हम योजना से उसको क्रियान्वित करके और शीघ्र ही राजमाता साहब के नेतृत्व बहुत प्रणाम। सबसे पहले बताना चाहती हूँ, ये जो कार्यक्रम है मेरी विधानसभा हर घर भगवा घर घर भगवा, इसको मैंने नहीं, महाराज साहब ने संकल्पित किया है, इनका संकल्प है कि हर घर भगवा पहुंचाना है, तो मैं उन्हीं से आग्रह करूंगी कि उनका कार्यक्रम है, इसको किस तरह से देवास में होगा अगले 6 दिनों में वो उसका भी आनंद लें, बहुत ही सुंदर तरीके से उसका भी चित्रण हो रहा है। और उसी के साथ हम 22 तारीख को उसी मंच से आतिशबाजी का भी कार्यक्रम होगा, उधर प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, हम दिए लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, उत्सव मनाएंगे देवास में, आतिशबाजी करेंगे और आपके इन भगवा ध्वज बांटने का जो समापन है वो सुदर्शन ऐसे गेट बनाने की प्रथा देवास की रही है, तो हमने एक और संकल्प किया नगर निगम के साथ मिलकर, महापौर सभापति और सभी पार्षदों के साथ मिलकर, कि हर वार्ड में भी एक राम द्वार बनेगा, जिसमें भगवान की आस्था के साथ ही इस दिन को हम चिन्हित करके 22 तारीख का महत्व मानते हुए हर वार्ड में उस राम द्वार को एक सांकेतिक रूप का द्वार बनेगा, सभी लोगों से बातचीत करके, उस वार्ड के लोगों से बातचीत, अब ये महापौर सभापति और पार्षद लोग अपनी वहां के लोगों से वो करके सभी की मंशा स्वरूप जगह चुनकर उस वार्ड में एक एक द्वार बनेगा। ये जा रहा है जिसको लेकर आपने, देखिए हमने एक कार्यक्रम रखा है मेरी विधानसभा हर घर भगवा घर घर भगवा, हर घर में भगवा पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं, ये संकल्प विक्रम सिंह जी पवार साहब ने किया है और उसके तहत वो उनकी युवा टीम लेकर हर दिन 4 बजे से लेकर 4-6 घंटे तक घरों में भगवा पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हर घर में वो अपने भगवे को लगा सके और पूरे देश को भगवामय, पूरे देवास को भगवामय करने का प्रयत्न है 22 तारीख से पहले।
हर वार्ड में एक श्री राम द्वार बनाने की भी आपने एक बात कही है, नगर निगम के माध्यम से बनाया जाए, क्या क्या उसका है? देवास में हमेशा से प्रथा रही है कि कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो उसको हम एक द्वार से सांकेतिक रूप से द्वार बनाया जाता है ताकि उस द्वार को देखकर उस दिन की याद रहती है। तो 22 तारीख की याद दिलाने के लिए एक राम द्वार हर वार्ड में बनाने की घोषणा हमने की है। हर वार्ड में वहाँ के रहवासियों से बात करके उचित स्थान चुनकर हम वो अभी क्या आयोजन जैसे आपने कहा सयाजी द्वार पे जारी है, 22 तारीख तक क्या और विभिन्न आयोजन जारी रहेंगे देवास शहर में? इसके अलावा एक रामलीला का मंचन चल रहा है, संस्कृति विभाग द्वारा ये कार्यक्रम भेजा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, कल हुआ था शुरू, कल हमने देखा था, आज और कल और होगा। तो आप सभी से आग्रह है परिवार के साथ जाके और उसको देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के कलाकार हैं, बहुत ही उत्कृष्ट परफॉर्मेंस है और जिस तरह से मंचन हो रहा है उसको कल जो लोगों ने देखा बहुत सराहा है। राज्य ध्वज भी लगाए जा रहे हैं शहर में और इसको लेकर क्या कहेंगे हर जगह पे? ध्वज इमारत साहब ने संकल्प लिया है कि हर घर भगवा पहुंचाने का काम करना है, तो वो उनकी युवा टीम के साथ हर घर भगवा झंडा पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि 22 तारीख से पहले देवास को भगवामय करें। ठीक है, धन्यवाद। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या कितने व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारी की जा रही है और कितनी तारीख से कब तक ये चलेगा, क्या आयोजन है? पूरे देवास को भगवामय करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने लिया है, पूरे युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है, इसकी शुरुआत तो आज से ही हो गई है। अगर आप सब लोग देख सकें तो आज पूरे एबी रोड पे बिलावली से लेकर रसलपुर तक आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े हुए ध्वज लगाने का काम करा है और कल से हम घर घर जाने का काम करेंगे। 51,000 भगवे झंडे हमें घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वितरण करना है और कहीं ना कहीं 21 तारीख से पहले हमें लक्ष्य पूरा करना है। क्या आपने ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ मुख्य स्थान चौराहे जो शहर के 15 या 16 आपने चिन्हित किए, क्या उन पर जो है किस तरह के लगाए जाएंगे? 22 झंडे लगाने की भी हमारी प्लानिंग है, 15 से 20 जगह पूरे देवास में हम परमानेंट फ्लैग पोस्ट के साथ में, परमानेंट कंक्रीट के साथ में लगाने का भी हमारा लक्ष्य है। उसके हम लोग पॉइंट्स निर्धारित कर रहे हैं कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, बड़े बड़े चौराहे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े आकर्षण केंद्र और जो मार्केट के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं कवर करने का पूरा प्रयास किया है। हमारा सब कितना लक्ष्य झंडे लगाने का? 51,000 झंडे लगाने का लक्ष्य है पूरी विधानसभा में और इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं हमें 21 तारीख से पहले पूर्ण करना है ताकि 22 तारीख की तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहे। 51,000 इसमें मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसमें काफ़ी सारी टीमें बनाई जाएंगी, अलग अलग क्षेत्र उनको दिए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में खुद कवर। धन्यवाद।